रंगारेड्डी जिला शादनगर लो टी स्प्रैश फॉर्च्यून टोयोटा ब्रांच प्रारंभमैंदी. ई ब्रांच ने जगन मोहन राव मुख्य अतिथिगा पाल्गोनी प्रारंभिंचारु. रेंडुन्नरेळ्ळलो 8 फेसिलिटीलु एर्पाटु चेशामन्नारु मेनेजिंग डायरेक्टर निर्वेन मोडी. हैदराबाद लो 5, వికారాబాద్, ఇబ్రహీంపట్నం, కేరళలో 3 ఫెసిలిటీలు కల్పించామన్నారు. కస్టమర్ల సపోర్ట్ తో 5000కు పైగా వాహనాలను సేల్ చేశామని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. షాద్నగర్ లో అతి త్వరలోనే సర్వీస్ సదుపాయాన్ని కల్పిస్తామని తెలిపారు. फॉर्च्यून टोयोटा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है. हम बहुत खुश है कि आज हम टोयोटा के लिए हमारा 8वां फैसिलिटी खोलने जा रहे हैं. अभी जो हमारे लैंडलॉर्ड ने इनॉग्रेट किया है रिबन साल पहले जुलाई ऑफ 2022 में टोयोटा के साथ पार्टनरशिप में शुरू किया था और ये 2.5 साल के अंदर ये हमारा 8वां फैसिलिटी है. हैदराबाद में अभी हमारे पास 5 है और विकाराबाद, इब्राहिमपट्टनम यहाँ पे और केरला में और 3 फैसिलिटीज़ है. तो इसके साथ हम इतने छोटे समय में कस्टमर्स का सपोर्ट के साथ ऑलरेडी 5000 गाड़ियों के ऊपर हम बेच चुके हैं. हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. हमने यहाँ पे शादनगर में सर्वे किया है और शादनगर के कस्टमर्स को बहुत इंटरेस्ट था कि उनके पास नज़दीक आए टोयोटा का फैसिलिटी. दूसरे कॉम्पिटिशन के डीलरशिप्स का फैसिलिटी थे तो टोयोटा के लिए हमने ये लोकेशन सेलेक्ट किया है और जगनमोहन राव हमारे लैंडलॉर्ड का सपोर्ट के साथ हमने ये आज स्थापित किया है. हमको उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही हम शादनगर में सर्विस का फैसिलिटी भी शुरू करेंगे. हमको अगर अच्छा रिस्पांस मिला, जो हमको बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि हमको मिलेगा यहाँ पे, तो हम सर्विस फैसिलिटी बहुत जल्दी यहाँ पे शुरू करेंगे. तो ये फॉर्च्यून टोयोटा फॉर्च्यून ग्रुप का एक सदस्य है. ये हमारे पास 6 डीलरशिप्स है अलग अलग ब्रांड के, हैदराबाद में, तेलंगाना में है और केरला में है. तो हमारा ग्रुप का टर्नओवर लास्ट ईयर 1000 करोड़ के ऊपर था. ये साल जो है 13 करोड़ रुपए के लिए हम बराबर ये हो रहे हैं. 1500 लोग हैं हमारे टीम में टोटल और कस्टमर्स का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हुआ, अच्छा मिला है हमको. तो इसके साथ उम्मीद है कि आप भी हमको सपोर्ट करेंगे. ये नया फैसिलिटी जो शादनगर में खुला है उसको, उसका रिस्पॉन्स अच्छा देने के लिए, उसका कवरेज कराने के लिए हमारी उम्मीद है कि आप हमको सपोर्ट करेंगे. थैंक यू सो मच.